तो गाइस यार अभी मैं नीरज भाई की R15 चलाने वाला हूँ और बताता हूँ इसका जेन्युइन रिव्यू जो भी होगा। और भाई ये भी बहुत भगती है यार, खतरनाक भगती है। 155 सीसी है, 155 भग जाती है यार ये। और हमारी 160 है, हमारी 140 जाती है। इसका जो टॉर्क है वो भी इससे ज़्यादा है। तो अभी छोटी सी राइड मार के आते हैं उस पर और मैं आपको बताता हूँ कि चलाने में कैसा है इसका पोस्चर, क्योंकि फ्यूचर में मैं लेने की सोच रहा हूँ। और वो मैं बोला था ना आपके लिए कि आपके लिए कोई सरप्राइज़ है, तो सरप्राइज़ है गाइस आपके लिए। और देख चूज़ करते हैं कौन सी बाइक लेंगे। अच्छी बाइक मैं अभी चूज़ कर रहा हूँ कौन सी लेता हूँ, तो देखते हैं इस बाइक को उठाएँ या फिर अभी और कोई सी बाइक लेनी है तो देखते हैं गाइस। इससे चला के भी इसको कैसा है, इसका जो इनिशियल पिकअप है ना गाइस बहुत तगड़ा है यार। अभी मैं थोड़ा सा चलाए थे लेकिन अभी चला के देखते हैं और बताऊँगा मैं आपको कैसे इसका पिकअप है। तो गाइस यार इसको चेक करके आते हैं, चलिए फाइनली गेड़ी मार के आते हैं जो भी इसकी रहेगी। और मैं भी आता हूँ थोड़ी सी देर में और भाई चलाने जा रहे हैं। और सर कैसे हो? सो लेट्स गो गाइस, चलिए देख के आते हैं यार इस बाइक की परफॉर्मेंस चेक करके आते हैं और मैं आपको जेन्युइन रिव्यू दूंगा जैसा भी रहेगा। फुल रिव्यू वीडियो तो नहीं बनाऊंगा लेकिन हाँ राइड का रिव्यू ज़रूर दूंगा, कितना भाग रही है, कैसे भाग रही है। ओके, और मैं इसकी पावर की बात, 18.6 PS का पावर मिल जाता है 10,000 RPM के साथ। और यही मैं टॉर्क की बात करूँ तो टॉर्क मिलता है आपको 14.1 Nm का टॉर्क मिल जाता है 8,500 RPM के साथ। और अभी मैं हूँ मैं आगरा ISV और अभी मैं बाइक को टेस्ट करके आता हूँ, ज़्यादा लॉन्ग नहीं ले जाएंगे, थोड़ा सा टेस्ट करके आ रहे हैं। अगर आपको इसका फुल रिव्यू वीडियो चाहिए है तो मेरे को बोलना, मैं इसका फुल रिव्यू वीडियो भी आपको दूंगा, ठीक है। तो कमेंट करना आपको वर्ज़न 3 का चाहिए फुल रिव्यू वीडियो या फिर वर्ज़न 4 का चाहिए या फिर वर्ज़न 4M का चाहिए या हम R15, मतलब किसी भी बाइक का चाहिए ना तो मेरे को कमेंट करके बोलो कि इसका मेरे को फुल रिव्यू वीडियो चाहिए और आप हमें बना कर दो, तो मैं गारंटी लेता हूँ मैं आपको ज़रूर बना कर दूँगा। आप जो बाइक बोलोगे मैं उसका रिव्यू वीडियो दूँगा पूरा आपका, ठीक है। सो गाइस अभी आप देख रहे हैं मैं इसको फोर्थ गियर में चला रहा हूँ, ज़्यादा स्पीड नहीं चला रहा अभी। और अभी लगाते हैं हाईवे पे, तो अभी मैं हूँ कारगिल पेट्रोल पम्प के पास और यहाँ से चल रहे हैं और बाइक बहुत ही अच्छी चल रही है, मतलब ये नीरज भाई की बाइक है। सो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब द वर्निंग रोड्स चैनल ऑन यूट्यूब, सर्च ज़रूर करना एक बारी द वर्निंग रोड्स चैनल को, ठीक है भाई। अपने नीरज चौहान का चैनल है और सपोर्ट करो भाई को, जल्दी से भाई के 1K कंप्लीट करा दो। ओके, सो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ यार फाइनली गुरुद्वारा, ये गुरुद्वारा वाली क्रॉसिंग है और यहाँ से यू टर्न मारेंगे क्योंकि मेरे को आगे नहीं जाना है। और हैंडलिंग का थोड़ा इशू रहता है यामा R15 में, मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा इशू रहता है क्योंकि भाई इसका जो हैंडलिंग होता है ना वो थोड़ा टैंक से लग जाता है, मतलब टैंक से हैंडल नहीं लगता, अपने हाथ ज़रूर लग जाते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ का इशू रहता है और बाकी बाइक बहुत अच्छी है, मेरे को इसकी परफॉर्मेंस और इसका जो पोस्चर है चलाने का वो बहुत अच्छा लगता है, सच बता रहा हूँ। और गाइस मैं कहीं ना कहीं इसको इसलिए भी चला रहा हूँ क्योंकि यार फ्यूचर में मैं लेने की बाइक सोच रहा हूँ, मेरे पास चूज़ करने के लिए ऑप्शन है, उसमें 3-4 बाइकें हैं, वो अभी मैं आपको नहीं बताऊँगा। हाँ इतना ज़रूर बताऊँगा कि ये बाइक भी उसमें ऑप्शन में ये बाइक भी शामिल है। तो देखते हैं अब कौन सी बाइक अपन परचेज करते हैं, कौन सी बाइक लेते हैं, ठीक है। बाकी यार बाइक मुझे बहुत पसंद है ये यामा R15, बाकी क्योंकि ये फुल फेयरिंग बाइक है यार, मतलब स्टिकरिंग के लिए तो इतनी अच्छी है ना, कहीं पे भी कोई भी स्टिकरिंग करो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि फुल फेयरिंग बाइक है, बहुत अच्छी लगती है। और मैं यूटर्न मार के गई सभी, मैं ISVD ट्रांसपोर्ट नगर में हूँ और अभी अपने नीरज भाई के पास चलते हैं यार, वो वेट कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे भाई कहाँ पर पहुँच गए। और मैं अभी देखो पहुँच चुका हूँ ISVD आगरा, सो यहाँ से थोड़ा दूर रह जाए खंदारी वाला ब्रिज, तो अभी खंदारी वाले ब्रिज के नीचे ही वो खड़े हैं विवेक भैया और अपने नीरज भाई, तो मिलते हैं अभी उनसे। और भाई बोल रहे थे कि यार देख लो आपको आपकी बाइक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलानी है चला लो। तो मैं भाई उनकी बाइक चला रहा हूँ और देख रहा हूँ क्योंकि भाई मेरे को लेनी है इसलिए, और देखते हैं टेस्ट राइड इसका ले लिया है और देखेंगे किस बाइक का लेंगे, ठीक है। तो अभी मैं देखिए भाई पहुँच चुका हूँ खंदारी,
भाई साहब अरे सर मजा आ गया इसे चला के, तो कसम से मजा आ गया यार। अरे अब कोई कट ही नहीं मिला तो यार, फिर मैं गुरुद्वारे तक गया बाइक। हाँ गुरुद्वारे से ही कट लेके आया फिर भाई, बाइक में बहुत अच्छा पावर है यार। मैंने अभी जो भगाई वो 108 110 बस लास्ट भगाई है, अभी ज़्यादा नहीं खींचा। और भैया कैसे हो? कैसा लगा? अरे सर मजा आ गया चला के, तो कसम से मजा आ गया यार। मुझे लगा मेरे घर चले गए। अब कोई कट ही नहीं मिला तो यार, मैं गुरुद्वारे तक गया।